भी थोड़ा सोचना पड़ता है। हेलो, आवा हेलो। रही है पापा जी आवाज? हाँ, हल्की हल्की आ रही है। बोल बेटा, काहे मैं ये कह रही थी मैं शिवपुरी आऊंगी। क्यों, के लिए? अरे मैं अपना कुछ लूंगी नहीं। सपना चौधरी ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही अजीब हैं एक औरत के लिए भी, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, मुझे भी समझ आती है वो बातें कि वो क्या बातें कर रही हैं। तो उनकी रिसेंट वीडियो में उन्होंने जो है अपने ससुर के साथ अपनी बातें शेयर करी हैं। उन बातों में आप देखेंगे कि ससुर जी ने जो बातें कही कि गहने जो हैं वो तुम्हारे नहीं है। भाई, गहने स्त्री धन होते हैं, वो गहने औरत के ही होते हैं। आपने उसको चढ़ा दिया, आपने किसी को भेंट दे दी, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया। अब कह दो तुम्हारा नहीं है, वो तो हमारा है। कैसे तुम्हारा है भैया, तुमने गिफ्ट दे दिया, अब जाके उसके घर से उठा के लाते हो? गिफ्ट नहीं लाते ना। तो वो आपने चढ़ा दिए उसको, वो पहन दी है, उसका हो गया वो। तो क्या जो आपकी जो बीवी के गहने हैं आपके, आपने अपनी माँ को पकड़ा दिए, वो आप ही के पास है ना, वो स्त्री धन है, वो उसी का है। तो वो उसी के पास है, वो अपने गहनों को अपने बेटे में, अपनी बहू में, जिस जिसे बांटना चाहती थी बांटा। अब जो सपना के गहने हैं वो सपना का स्त्री धन है, अब वो जिसमें चाहेगी अपने बच्चों को देना है, बहुओं को देना है, जिसको भी देना होता है वो देगी आगे जा करके, या नहीं देगी खुद पहनेगी, जो उसका मन करेगा वो करेगी। और तुमने कह दिया गहने तो बेटे तुम्हारे नहीं है, क्योंकि वो हमने हमने दिए थे तो हमारे ही हो गए। मतलब ये कौन सी बात होती है? फिर सपना यूट्यूब से काफी अच्छा कमा रही थी, उसके पति भी अच्छा कमा रहे थे, लेकिन सपना का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो उसका जो डांस है, उसकी जो उसके लिए बहुत सारे फॉलोअर्स आए थे ऑफकोर्स। तो सपना ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था मथुरा के घर में, शिवपुरा, शिवपुरा घर तो कैसे ससुर का, पर कंट्रीब्यूशन दिया था। और मैं समझ सकती हूँ लड़कियां कंट्रीब्यूट करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं करती, जो कमा रही है बिल्कुल करती हैं। और लास्ट में कह दिया जाए कि नहीं मेरे बेटे ने बनाया, तुमने क्या किया है, तो ये कोई बात होती है? इतने साल से वीडियो बना रही है तो इसके पैसे वैसे कहाँ गए फिर? अगर उसने कंट्रीब्यूट किया, उसने जमीन ली, उसने घर लिया, तो आप उसको क्यों नहीं दोगे? उसके उसके पति का है, वो उसका हो गया, जो उसके पति का है वो उसकी चीजें हैं, तुम्हारी कैसे हैं? वो उसकी हो गई, उसके बच्चों का हक है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद सब तुम्हारे बच्चों को और तुमको मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब भी उनकी एज लगा लेते हैं हम कि 60 साल है, गेस कर लेते हैं 60, नहीं तो 65 तक हम ले लेते हैं। सपना की एज भी 30 तक तो होगी ही। अगर उसके ससुर आगे जा करके 10-20 साल और नहीं गए, 70-80 तक पार कर लिए, सपना उस टाइम पहुंच जाएगी 50-55 में अगर, तो उसके बाद उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वहां जो उसकी जरूरत है पढ़ाई लिखाई की बच्चों की, वो तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सपना कैसे ना कैसे करके करेगी ही। अब जब सपना की अभी उम्र है किसी चीज को करने की या किसी बिजनेस को करने की, या जो अभी जो हमारी एनर्जी लेवल होती है वो ज्यादा होती है, तो वो सब करने की, तो अभी तो वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो मतलब अभी तो वो खुद कमा रही, तो ऑफकोर्स वो कर लेगी, लेकिन जो चीजें उसके ससुर करे कि मेरे बनने के बाद मैं दूंगा, मेरे जाने के बाद सब तेरा है, तो इंतजार करे कि वो जाए, उसके बाद मैं कहीं घूमने जाऊं, उसके बाद उन पैसों का यूज करूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। अरे बच्चे तो उस टाइम पढ़ ही लेंगे, बच्चों को पढ़ाई में अभी जरूरत है तुम्हारे पैसों की, अभी जरूरत है तुम्हारे हेल्प की, अभी हमारी ये जो घूमने फिरने की, अभी हम उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, हम आगे कुछ करेंगे, तो अभी तुम नहीं दे रहे हो। तुम सोचो हो कि हम अपने मरने के बाद देंगे, जब तक हम भी उस एज में पहुंच जाएंगे। और अभी तो मुझे लगता है कि लोगों के पास 60, 65, 70 साल भी बहुत ज्यादा ही, मैं बोल रही हूँ जिस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा एज मुझे लगता है, मुझे लगता है हम 50-55 भी चले जाए ना, बहुत है हमारे लिए। तो ये सारी बातें बहुत ही बेतुकी हैं कि मेरे जाने के बाद सब तुम ले लेना, कि अभी तुम ऐश करो, अभी तुम राज करो, अभी तुम बस जितना है उसको तुम खाओ मजे से, वो उनको छोड़ो किराए के घर पे, है ना, वो तो मस्त किराए के घर पे रहे, हम मस्त मजे से रहे, मेरे जाने के बाद ले लेना। हाँ, मेरे जाने के बाद घर खाली हो जाएगा तो फिर घर की चौकीदारी कौन करेगा? तुम हो ना, मेरी बेटी रहेगी, वो अकेली हो जाएगी, तो तुम चौकीदारी करना। मतलब बहुत ही ज्यादा बेतुकी बातें लगी उनके ससुर की मुझे ये वाली, कि मेरे जाने के बाद सब तुम्हारा है। तो सपना को अपने बच्चों के लिए, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, और लेना भी चाहिए, क्यों नहीं लेगी? उसके पति थे, वो भी दोनों पति उसी के घर के थे, और राजवीर से उसकी शादी की हुई थी, वो भी सपना ने आपको बताया अपने ब्लॉग में कि भाई पहला पति इतना मारता था, उन चीजों को छुपाने के लिए राजवीर से कर दी गई, ताकि घर की बात घर में दब जाए और बाहर ना निकले। तो वो तो अच्छी बात है कि वो अच्छा निकला, लेकिन फिर भी अगर वो भी उसकी तरह निकलता तो उसकी लाइफ तो हेल हो जाती ना। सपना ने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था अपनी लाइफ पे इस चीज को करके, ये फिर भी उसने लिया, क्योंकि उस घर की इज्जत बचा। अब उसी घर ने अपने घर की बहू, जो उनकी इज्जत होती है, जो उनकी लक्ष्मी होती है, उनको उसको निकाल दिया, और मस्त अकेले हैं। भाई बुढ़ापा है, कब तक कोई साथ नहीं देता, फैमिली ही साथ देती है। और वीडियो कॉल, उस वीडियो कॉल में जिस तरह से सपना ने बात कराया, जैसे सपना ने बोला कि आप कॉल कर लिया करो, आप बात कर लिया करो,
तो उससे साफ दिख रहा था कि उसको भी अच्छा लगता है कि उनका कॉल करना, क्योंकि बच्चे मिस करते होंगे, ऑब्वियसली बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि दादा दादी क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उनके लिए रिश्ते हैं, वो साथ रहे हैं, वो मिस करते हैं. बच्चे 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 होते हैं यार, वो मिस करेंगे. और कौन है इन बच्चों के अलावा आपका? अभी तो बेटी की भी शादी नहीं हुई, अब उसकी शादी होगी, और डोंट नो कि दामाद कैसा आएगा. वो आपके घर को वो खुद ही प्रॉपर्टी हड़पना चाहे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है, रिश्ते बहुत ख़राब भी आ जाते हैं. तो जो अच्छे रिश्ते हैं ना, उसको संभाल करके रखो यार. आगे जा करके तुम सोच रहे हो कि नहीं, बेटी को दे देंगे, बेटी के दम बेटे दामाद को दे देंगे, वो हमारी अपनी बेटी अपनी है, ऑब्वियसली अपनी है, लेकिन आगे रिश्ते कैसे आएंगे आपको खुद भी नहीं पता. और आप दोनों अकेले हो, फिर ये प्रॉपर्टी किसके लिए जमा कर रहे हो? और जिन बच्चों के लिए कर रहे हो, तो मरने के बाद का इंतजार मत करो, उनको अभी उनका हक दो, ताकि वो उसका यूज़ करें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा हासिल करें, और जो उनको ज़रूरत है वो पूरी हो. उनको इस तरह से किराए के घर में ना रहना पड़े, अपने इतने सारे घर होने के बाद भी. आज उनके पापा जिंदा होते तो शायद वो इस तरह से किराए के घर में तो नहीं रह रहे होते, बिल्कुल नहीं रह रहे होते. तो कम से कम अपने बच्चों की, अपनी आत्मा को शांति मिले, उसकी बीवी बच्चों के साथ ना गलत मत करो. और क्या कहेंगे इस बारे में, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सही लगता है और कौन गलत लगता है. लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, सपना अभी सही लगती है, कि सपना ने जो झेला है, जो वो कर रही है, उसने बहुत कुछ खोया है. और उसके सास ससुर के पास अगर वो है, तो जानबूझ के उसको खो रहे हैं. तो जानबूझ के ना खोएं, अगर साथ रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सपना साथ रहने से मना नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से वो बातें करवाई थी बच्चों की, ऐसा लग बिल्कुल नहीं रहा था कि वो मना करेगी. तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही. आप अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए.